से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज इस केस को वापस ले लीजिए। क्या कह रही है तुमसे? कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ और इसके पास चली जाऊँ। राजीव ने मधुलिका के सामने जोड़े हाथ की केस वापस लेने की विनती। मधुलिका ने एक बार फिर से राजीव को फंसाने की कोशिश। राजीव को बताया बदतमीज। मधुलिका के पति और राजीव के बीच हुई बड़ी लड़ाई, दोनों एक दूसरे पर हाथ उठाते आए नजर। जी हां, दरअसल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले पॉपुलर शो परिणीति की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से राजीव कोर्ट में अपनी और अपने परिवार की बेइज्जती सहकर बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है, परेशान जाता है। और ऐसे में राजीव मधुलिका के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आता है। राजीव नम आंखों से मधुलिका के सामने हाथ जोड़कर ये विनती करता है कि मधुलिका ये केस वापस ले ले। लेकिन तभी मधुलिका का पति आ जाता है और ये पूछने लगता है कि आखिरकार राजीव मधुलिका से क्या कुछ कह रहा है, जहाँ पे मधुलिका राजीव पर एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाती है और बतलाते हुए नजर आती है कि मधुलिका से राजीव ये कह रहा है कि अपने पति को छोड़कर मधुलिका राजीव के पास आ जाए। जिसके बाद मधुलिका के पति का फूट पड़ता है गुस्सा और वो राजीव पर हाथ उठाते हुए नजर आता है, जहाँ पर राजीव को बहुत ही पूरी तरीके से मधुलिका का पति मारते हुए दिखलाई पड़ता है। तो वहीं पे दूसरी ओर राजीव भी शांत नहीं बैठता, राजीव भी गुस्से में अपना आपा खो बैठता है और मधुलिका के पति के साथ लड़ाई करने लग जाता है, जहां पर दोनों ही एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगते हैं। तो वहीं पर पुलिस राजीव को पकड़ लेती है और इसके बाद कहीं ना कहीं राजीव की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। वेल, तो इस पे क्या है आपकी राय, हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताएं और साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।